Dear students, inshallah, we are going to study today kinds of adjectives. Yani adjective ki kisme. Adjective ki umuman 5 kisme hain. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, or adjective of demonstrate, या डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और फिफ्थ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आइए आज हम सिर्फ और सिर्फ 3 देखते हैं, और वो क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। एडजेक्टिव्स मे बी डिवाइडेड into the following classes. Adjective को बांटा जा सकता है आने वाले दर्जों में. ओके, तो आइए हम 69 नंबर से देखते हैं. Adjective of quality or descriptive adjective show the kind or quality of a person or thing, as Kolkata is a large city. Adjective of quality या descriptive adjective show the kind or quality of a person, एक आदमी के या चीज़ के खासियत को दिखलाता है. ठीक है, एक आदमी या चीज़ के खासियत को, मतलब जो बतलाए वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी, तो यहाँ पर जो लार्ज का वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है. और ये सिटी की सिफत यानी कोलकाता की सिफत बता रही है कि कोलकाता एक बड़ी शहर है. ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसी तरह ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट क्या है? ये सिफत है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है मैन की. इसी तरह से फुलिश ऑल क्राउ ट्राई टू सिंग, तो यहाँ पर मतलब दो सिफत लाई गई है, वो है फुलिश और दूसरा ओल्ड. तो ये दोनों सिफतें क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, जो कौवे की सिफत को बता रही हैं. ओके, दिस इज़ अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश का वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो लैंग्वेज की सिफत को यहाँ पर उजागर कर रही है, यानी इंग्लिश जुबान. ओके, तो ये जो इंग्लिश है ये लैंग्वेज की खासियत को, उसके सिफत को बतला रही है, इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ. Adjectives formed from proper noun. वो adjective जो proper nouns से बनाए जाते हैं, जैसे French wines, Turkish tobacco, Indian tea are sometimes called, इनको कभी कभी कभार कहा जाता है proper adjective, कि ये proper adjective हैं. They are generally classed with the adjective of quality, और इनको आम तौर से adjective of quality के category में, दर्जे में रखा जाता है. तो यहाँ पर जो French है, Turkish है, Indian है, ये क्या है? ये proper adjectives हैं, और इनको adjectives of quality के ज़ुमरे में या दर्जे में रखा जाता है. Adjectives of quality answer the question of what kind, और adjective of quality जो है ये जवाब देता है सवाल of what kind, यानी किस किस्म का या कैसा, तो यानी किस किस्म का और कैसे के जवाब में, जो सवाल में जो आंसर आएगा, जो जवाब आएगा, वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा.
ओके तो आइए आप 70 नंबर पे चलते हैं और वहाँ पे हम इसको देखते हैं क्या कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी हमारा जो दूसरा एडजेक्टिव की किस्म है वो क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ड, ये दिखलाता है कि मतलब हाउ मच ऑफ थिंग यानी कितना चीज। तो यहाँ जो हाउ मच का मतलब जो लफ्ज आया कितना, तो ये हमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में बता रहा है या दिखला रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम इस्तेमाल हुआ है ये एडजेक्टिव है और ये राइस के चावल के क्वांटिटी को मकदार को बता रहा है। ओके तो ये सम क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही शोड मच पेशेंस, मच माने क्या होता, मच क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी उसने काफ़ी सारा मतलब सब्र दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मच का वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे जो लिटिल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो कि इंटेलिजेंस के सिफत को उसके क्वांटिटी को मकदार को बता रहा है। तो यहाँ पे लिटिल के माने होता है थोड़ा। वी हैव हैड एनफ एक्सरसाइज, तो यहाँ पे एनफ ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो एक्सरसाइज के क्वांटिटी को उसके सिफत को बतला रहा है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, वो खो चुका है अपनी तमाम दौलत। तो यहाँ पर जो ऑल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी उसके माल की उसके दौलत की क्या बतला रहा है, मकदार को बतला रहा है। यू हैव नो सेंस, तो यहाँ पर जो नो है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो कि उसके सेंस की मकदार को बतला रहा है। ओके तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, तो यहाँ पे एनी जो है ये राइस की सिफत को उसके मतलब खासियत को उसके मकदार को बतला रहा है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, तो यहाँ पर जो मतलब जो ग्रेट है ये क्वांटिटी को बतला रहा है, मकदार को बतला रहा है केयर के। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे जो हाफ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, हाफ आधा, ये शेयर के मकदार को बतला रहा है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। There has not been sufficient rain in this year. अब यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया sufficient, यानी sufficient माने क्या होता है, काफ़ी। तो ये काफ़ी जो है ये रेन के क्वांटिटी को बतला रहा है, उसके मकदार को बतला रहा है। तो क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। द होल सन वॉज एक्सपेंडेड, द होल सम वॉज एक्सपेंडेड, तो यहाँ पे जो होल इस्तेमाल किया गया है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है सम की, यानी ये सम के मकदार को बतला रही है। ओके तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के सवाल का जवाब होता है हाउ मच यानी कितना। तो मतलब कितने से जब आप सवाल करेंगे और उसके जवाब में जो आंसर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा आपको, वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा।
अब आइए हम थर्ड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को देख लेते हैं, और वो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और तीसरा टाइप हमारा जो एडजेक्टिव है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या इसका दूसरा नाम न्यूमरल एडजेक्टिव्स के नाम से भी जाना जाता है। शो हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग्स आर मीन्ट, और यह बतलाता है यानी कितने आदमी या कितने चीज़, तो कितने के सवाल में मतलब जो जवाब आएगा, या कितने लोगों के सवाल में या कितने चीज़ के सवाल में जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव्स होगा। आर इन व्हाट ऑर्डर द पर्सन और थिंग स्टैंड्स, या इसके ज़रिए से ये भी पूछा जाता है कि आदमी किस नंबर पे है या चीज़ किस नंबर पे रखी हुई है, तो हम इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द हैंड हैज़ फाइव फिंगर्स, हाथ में पांच उंगली होती हैं। तो यहाँ पे फाइव जो लाया गया ये है क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी ये फिंगर की तादाद को बतला रही है। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे फ्यू जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो कैट के नंबर को या उसकी आदत को बतला रहा है, शो कर रहा है। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, तो यहाँ पे नो जो है लाया गया, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो पिक्चर्स की खासियत को यानी उसकी आदत को बतला रही है। ओके, आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, तो यहाँ पे जो मैनी इस्तेमाल हुआ ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो थिंग्स के नंबर को बतला रहा है, उसके तादाद को बतला रहा है। ऑल मैन मस्ट डाई, तो ऑल ये क्या है? ऑल ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो मेन के जो मेन के लिए लाया गया है और मेन के आदत को बतला रहा है। हियर आर सम राइप मैंगोज, सम क्या है? सम ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो राइप मैंगोज की सिफत को या उसके आदत को बतला रहा है। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, तो यहाँ पे जो मोस्ट लाया गया, तो मोस्ट ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो बॉयज़ के नंबर को मतलब टेल करने के लिए या बताने के लिए लाया गया। देर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, काफ़ी सारी मतलब गलतियाँ हैं आपके एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे सेवरल जो है ये मिस्टेक्स के नंबर को बतलाने के लिए लाया गया है। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो यहाँ पे जो फर्स्ट का इस्तेमाल किया गया है वो डे के यानी मतलब वो दिन के तरतीब को बयान करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब हम कैसे जानेंगे? हम जब हाउ मेनी से हम सवाल करेंगे तो उसके जवाब में जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा, वो उत्तर में जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। तो उसमें तो यही है कि हम जब मैनी हाउ मैनी के साथ हम जब सवाल करेंगे तो उसके जवाब में जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा या न्यूमरल एडजेक्टिव्स होगा। तो आज यहीं तक, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।